नमस्ते, मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का स्पेशल सेगमेंट पड़ताल। सोशल मीडिया पर गैस सिलेंडर से जुड़ा एक दावा फिर से चक्कर काटने लगा है। गैस सिलेंडर पर अंकित कुछ अक्षरों को दिखाकर कहा जा रहा है कि ये गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट है। हम दावे को ज्यों का त्यों लिख रहे हैं। तस्वीर पर दिख रहे कुछ अक्षरों पर गोला बनाकर यह दावा किया जा रहा है। दावा है, गैस सिलेंडर पर लिखा हुआ यह नंबर एक्सपायरी डेट को बताता है। ए बी सी डी एक्सपायरी मंथ को बताते हैं, जबकि आखिरी के दो अंक एक्सपायरी साल को बताते हैं। ए का मतलब है जनवरी से मार्च, बी अप्रैल से जून, सी जुलाई से सितंबर और डी अक्टूबर से दिसंबर। रोचक तथ्य नाम के ग्रुप में आशीष मिश्रा नाम के यूजर ने यह दावा पोस्ट किया है। इस पर अब तक 1800 से ज्यादा यूजर रिएक्ट कर चुके हैं, वहीं इसे करीब 850 बार शेयर भी किया जा चुका है। गैस सिलेंडर से जुड़ी ये खबर बीते सालों में भी कई बार वायरल हुई है। हमने इस दावे की पड़ताल की, हमारी पड़ताल में यह दावा भ्रामक निकला। सिलेंडर पर अंकित जिन अक्षरों को एक्सपायरी डेट बताया जा रहा है वो एक्सपायरी डेट नहीं है, बल्कि सिलेंडर की दोबारा जांच की तारीख होती है। देश की सबसे बड़ी गैस और पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल इस पूरे वायरल दावे पर एक स्टेटमेंट भी दे चुकी है। उसमें विस्तार से बताया गया है कि ये कथित एक्सपायरी डेट क्या होती है और कैसे पुराने सिलेंडरों को छांट कर अलग किया जाता है। इंडियन ऑयल के मुताबिक एलपीजी सिलेंडरों को बीआईएस स्टैंडर्ड के ध्यान में रखकर स्पेशल स्टील और सुरक्षित कोटिंग से बनाया जाता है। 20 अगस्त 2007 को जारी हुए सर्कुलर के मुताबिक सन 2000 के अप्रैल महीने से बनने वाले सभी सिलेंडर की पहली वैधानिक जांच और पेंट 10 साल बाद होगा। इसके बाद हर 5 साल पर ऐसी जांच होगी। एलपीजी सिलेंडर की स्थिति निर्भर करती है तापमान, प्रेशर और इस्तेमाल के तौर तरीके पर। यह नष्ट होने वाली चीज नहीं है, इसलिए एलपीजी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इंडियन ऑयल ने अपनी स्टेटमेंट में दावा किया है कि सिलेंडर की कथित एक्सपायरी डेट की वजह से कभी भी कोई भी हादसा रिपोर्ट नहीं किया गया है। अक्सर ऐसा होता है कि कम इस्तेमाल या कभी कभार इस्तेमाल की वजह से सिलेंडर जल्दी खत्म नहीं होते और ये सिलेंडर घरों में या किसी भी जगह पर लंबे समय तक पड़े रह जाते हैं। हो सकता है कि ऐसे में वैधानिक जांच की तारीख निकल जाए, लेकिन इंडियन ऑयल का दावा है कि जब भी कोई खाली सिलेंडर इस्तेमाल के बाद रिफिलिंग स्टेशन पर आता है तो उसकी जांच की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी हिदायत दी जाती है कि वो वैधानिक जांच की तारीख देखकर ही ग्राहकों को सिलेंडर बेचें। कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट से जुड़ा दावा भ्रामक निकला। दरअसल गैस सिलेंडर पर एक्सपायरी डेट नहीं, वैधानिक जांच की डेट लिखी होती है, यानी टेस्ट की ड्यू डेट लिखी होती है, जिसे गलत तरीके से पेश किया जाता है। देश की शीर्ष गैस प्रदाता कंपनियों के मुताबिक वो पुख्ता तरीके से काम करती हैं और इस चीज को पुख्ता करती हैं कि जिस भी सिलेंडर की वैधानिक जांच की तारीख नजदीक हो उसे बाजार में ना बेचा जाए। सिलेंडरों को बीआईएस मानक के आधार पर मजबूत स्टील और कोटिंग से बनाया जाता है। इंडियन सिलेंडर बनाने वाली कंपनी इंडियन ऑयल ने जनता से अपील की थी कि वो एलपीजी सिलेंडर की एक्सपायरी डेट जैसी भ्रामक खबरों पर भरोसा ना करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर आती है जिस पर आपको शक हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है पड़ताल mail@gmail.com। हम उस दावे की पड़ताल करेंगे और आप तक सच्चाई पहुंचाएंगे। शुक्रिया।